इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया 8 विकेट से हार गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया अपनी धरती पर 36 साल बाद में न्यूजीलैंड से कोई टेस्ट मैच हारी है। यह टेस्ट मैच हारने के बाद में टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के लिए बहुत सी मुश्किलें सामने आने वाली हैं, क्योंकि इस सीरीज के बाद में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के लिए जीत पाना किसी कठिन चुनौती को पार करने से कम नहीं होगा। लेकिन अब अगर इस वीडियो में पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े जिम्मेदारों के बारे में बात करें तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार की वजह रही पहली पारी में बैटिंग, जहां पर टीम इंडिया पहली पारी में 6 रन पे ऑल आउट हो गई। यही टीम इंडिया की सबसे बड़ी खामी रही, लेकिन इसको भी अगर नज़रअंदाज कर दें तो इसके बाद भी टीम इंडिया की 2 बड़ी और समस्याएं सामने आई हैं जिससे टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम इंडिया की ओर से सबसे बड़ी गलती न्यूजीलैंड की पहली पारी में हुई, जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम के पहले 7 विकेट 233 रन पर डाल लिए, लेकिन इसके बाद में 8वीं विकेट के लिए सचिन रविंद्र और टिम साउदी के बीच में 135 रन की पार्टनरशिप हुई। इन दोनों के बीच में यह पार्टनरशिप ने टीम इंडिया के लिए मैच छीन लिया। दोनों के बीच में 137 रन की पार्टनरशिप मात्र 132 गेंदों में हुई, जिसमें सचिन रविंद्र के शानदार 134 रन और साथ ही टिम साउदी के भी 65 रन की कमाई की पारी शामिल थी। इन दोनों की इस पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड की टीम को ड्राइव सीट पर बिठा दिया, जिसके बाद टीम इंडिया से यह मैच बहुत ही दूर चला गया था। अगर इन दोनों के बीच में यह कमाल की पार्टनरशिप नहीं होती तो टीम इंडिया को मात्र 150 रन की लीड मिलती और इसके बाद टीम इंडिया ने जहां दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम को 107 रनों का लक्ष्य दिया तो वहीं दूसरी पारी के लिए न्यूजीलैंड सामने 200 से 250 रन का लक्ष्य होता। इसके अलावा भी टीम इंडिया के लिए मैच हारने के लिए टीम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी गलती दूसरी पारी में हुई और यह गलती टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान से हुई। सरफराज खान के बारे में अगर बात करें तो इस मैच में सरफराज खान ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और सरफराज खान ने 150 रन की पारी खेली, लेकिन जब तक टीम इंडिया के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे उस समय तक टीम इंडिया ड्राइव सीट पर लग रही थी। लेकिन इसके बाद में जैसे सरफराज खान ने 150 रन की पारी पूरी की उसके बाद सरफराज खान आक्रामक अंदाज में दिखने लगे और जिसके बाद सरफराज खान ने 100 उठा के खेलने की कोशिश की और उस गेंद पर सरफराज खान अपना विकेट दे बैठे और सरफराज खान के विकेट गिरने के साथ ही उनके पीछे ऋषभ पंत और साथ ही केएल राहुल और बाकी गेंदबाज भी उनके पीछे आउट हो गए। सरफराज खान के विकेट के साथ ही सरफराज खान और ऋषभ पंत के बीच में पनपी हुई 117 रन की पार्टनरशिप टूट गई। और वैसे अगर बात की जाए तो सरफराज खान ने पहले टेस्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। सरफराज खान के आउट होने के बाद में टीम इंडिया की जिम्मेदारी जहां पर ऋषभ पंत और केएल राहुल के कंधों पर थी, लेकिन ऋषभ पंत भी अपनी बुरी किस्मत चलते 99 रन पे आउट हो गए, लेकिन इसके बाद केएल राहुल टीम इंडिया के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और केएल राहुल का लगातार फ्लॉप शॉट जारी है। इसके बाद 462 रन पर टीम इंडिया की पारी सिमटने के साथ ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड टीम को बैटिंग के लिए बुलाया, लेकिन टीम इंडिया के लिए इस मैच में सबसे बड़ी गड़बड़ी तब हुई जब अंपायरों ने मात्र 4 गेंद खेलने के बाद में मैच को बंद करा दिया। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ने अंपायरों से बात की और मैच को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन अंपायरों ने बैड लाइट का बहाना देते हुए इस मैच को उसी दिन स्टंप कर दिया। और चौथे दिन शाम को जसप्रीत बुमराह गेंद बहुत ही हरकत कर रही थी, अगर उस दिन टीम इंडिया 5-6 ओवर फेंकती तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड टीम के लिए 3-4 विकेट टीम इंडिया के नाम हो सकते थे। लेकिन अब टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच 8 विकेट से हार गई है और टीम इंडिया की कोशिश करेगी कि आगे आने वाले 2 टेस्ट मैच टीम इंडिया बड़े अंतर से अपना नाम करें, क्योंकि इसके बाद में होने वाली सीरीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में जीत पाना किसी बड़ी चुनौती को पार करने से कम नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।